हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यूपीपीएससी से एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा आयोग में। आप सभी को बता दूं कि जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं उनको जो है हटा दिया गया है, और एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है यूपी आरओ एग्ज़ाम 2024 को लेकर के। ठीक है, अब धीरे धीरे जाँच और आगे बढ़ेगी, और पहली कार्रवाई की गई है कि जो है परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया है, और यही वजह मानी जा रही है कि यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन होगी। पीसीएस के लिए मैंने बता दिया था कि एग्जामिनेशन कब हो सकता है, और आरओ से डाउट जो भी थे सब पिछले वीडियो मैंने बता दिया, उसको देख लीजिएगा। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, और आप सभी अभी मैं देख वीडियो भी दिखा दूंगा कि क्या कार्रवाई की गई है। तो बस इतना जान के चलिए कि पीसीएस भी पोस्टपोन होगा, बट ये है कि लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। अब देखिए ये कार्रवाई आगे कहाँ तक पहुँचती है। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। इसलिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही आपको बता दूँ, युवा मंच के जो राजेश सचान हैं या फिर राकेश सचान हैं, उन्होंने सरकार को पत्र लिख कर कहा है कि अगर ऐसी ही गड़बड़ी है तो फिर यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए, और पहले गड़बड़ी को सुधारी जाए, फिर जो है आगे जो है परीक्षा जो सुचितापूर्वक कंप्लीट कराई जाए। अगर सब कुछ कम व्यवस्था अच्छी है तो करा सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर पोस्टपोन किया, ऐसा युवा मंच के जो है राकेश सचान या फिर राजेश सचान ने जो है पत्र लिखकर सरकार को ज्ञापन दिया है। तो देखिए, ठीक है, यूपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर है। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी हटाए गए हैं। अजय कुमार तिवारी को राज्य से परिषद भेजा गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, यूपीपीएससी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी हटा दिए गए हैं। अजय कुमार तिवारी को राज्य से परिषद भेजा गया है। तो एक बड़ा फैसला लिया गया। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को